channel, the red button below. So guys, today's video is all about winter body care and skin care. So guys, जैसे कि आपको पता है winters आ गए हैं, हमें न्यू बहुत सी अच्छी अच्छी parties में जाना होता है, शादी में जाना होता है, reception में जाना होता है. पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो आती है जब हम स्कर्ट्स पहनते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनते हैं, बट हमारी जो स्किन है वो डल लगती है, बिल्कुल बेजान लगती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत ज्यादा ड्राई. सो गाइस, उन सब का छुटकारा पाने के लिए उन सब का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज. सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइज्ड एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं. प्लस आपकी स्किन है, अगर आपकी टैन हो गया है तो गाइस आपकी स्किन है वो लाइटन भी होगी, ग्लो भी करेगी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी. जब भी आप कोई भी ड्रेस पहनोगे, आपकी स्किन भी खिलेगी, आप भी खिलोगे, आपका फेस भी खिलेगा. आपकी जो रेमेडीज है आर वेरी इजी टू मेक, बहुत ही ज्यादा इजी एंड क्विक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं. आपको घर में सारा सामान मिल जाएगा जो भी इन रेमेडीज में मैंने यूज किए हैं. एंड सेकंड थिंग, ये रेमेडीज मैंने भी यूज की है, मैंने एक साल लास्ट ईयर मैंने जितनी भी विंटर्स है उन सब में मैंने यही चीज यूज की अपनी बॉडी के लिए, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि क्यों की थी. सो गाइस, मुझे तो बेस्ट रिजल्ट मिले थे एंड आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे. एंड एक और बात कि ये 30+ जितनी भी लड़की जिन्होंने भी ये यूज करना है वो इन्हें यूज कर सकते हैं. 30+ सभी टीनेजर्स, सभी 20+ 30+ जिसने यूज करना है वो इसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, स्पेशली इन विंटर्स. सो गाइस, मैं आपको कहना चाहती हूँ प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड एंड तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा. सो गाइस, ज्यादा मैं वेस्ट करते हैं. सो गाइस, इसमें मैंने आपको बताई है 3 रेमेडीज. सो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली रेमेडी की. सो गाइस, जो फर्स्ट रेमेडी है, स्पेशली अगर आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो गई, बहुत ज्यादा, एंड आप चाहते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, तो मैं एक और चीज बताती हूँ आपको. फर्स्ट यूज में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दिख जाएगा, देन आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली जो मैंने फर्स्ट वन है इज फॉर ड्राई स्किन. एंड प्लस अगर आपका टैनिंग हो गई है, कुछ हो गया, वो तो चलो रिमूव करेगी, बट सबसे ज्यादा ये पहली वाली जो है ये आपकी ड्राई स्किन को अच्छे से क्यूर करेगी, ठीक करेगी, एंड आपकी स्किन है वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट हो जाएगी एंड आपकी स्किन ठीक हो जाएगी. ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, आपके हाथ भी ऐसे स्क्रैच मारते हो एंड देन आपके व्हाइट सा दिखने लग जाता है, आपके स्पेशली आपकी बॉडी के ऊपर, आपके हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो. सो या मेरी जो फर्स्ट रेमेडी है स्पेशली फॉर ड्राई स्किन. गाइस, सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ बेसन, जिसे हम ग्राम फ्लावर भी कहते हैं. अगर आपको ये सूट नहीं करता देन आप राइस फ्लावर भी ले सकते हैं. देन हम उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक. मैंने वाइल्ड टर्मरिक ली थी, आप अपनी रेगुलर जो घर पे होती है वो भी ले सकते हैं. एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है 1 टेबलस्पून ऑफ हनी. तो गाइस, इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे. सो गाइस, अब मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल से स्किन का कलर जो होता है वो डार्कन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ. अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है देन आप यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल, कोई बात नहीं. ठीक है, एंड उसके बाद मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है कर्ड, जिसे हम दही भी कहते हैं. अगर आपको दही सूट नहीं करता आप यूज़ कर सकते हैं मिल्क. ठीक है, सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेस्ट बन जाएगा, इतनी प्यारी कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी. गाइस, ये वाली जो रेमेडी है मैंने लास्ट ईयर पूरी विंटर्स यूज़ की थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो गई थी. मैं डॉक्टर के पास भी गई थी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट इस रेमेडी ने मेरा बहुत साथ दिया एंड मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रही. सेकेंड रेमेडी है वो है स्क्रब. सो गाइस, स्क्रब क्यों? सो गाइस, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे जो फेस को उसको स्क्रब की जरूरत पड़ती है, सेम वैसे हमारी बॉडी को भी स्क्रब की जरूरत होती है. सो गाइस, ये जो स्क्रब है इज वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है. जितनी भी हमारी स्किन के ऊपर डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, वो रिमूव हो जाती है. एंड प्लस गाइस, बहुत ही अमेजिंगली आपकी जिस बॉडी है उसको मॉइस्चर मिल जाता है, बहुत ही अच्छे से काम करती है. और ड्राई स्किन, जो भी आपकी स्किन है, हर स्किन टाइप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये वाला स्क्रब. एंड प्लस गाइस, एक और बात कहना चाहती हूँ, आप
इसको यू नो घर में आसानी से बना सकते हो। सो गाइस देखिए मैं इसको कैसे बनाती हूँ, इसको कैसे यूज करती हूँ। DIY बॉडी स्क्रब बनाने के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर। अगर पाउडर्ड शुगर नहीं है देन आप उसको घर में क्रश कर सकते हैं। फिर हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी तो आपको आसानी से मिल जाएगी यू नो किसी भी दुकान से। एंड उसके बाद मैं लूँगी लेमन, 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन। अगर आप चाहें देन इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, बट लेमन जो है बहुत ही अच्छे से आपके टैन को भी रिमूव करेगा। एंड उसके बाद हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। इस हफ्ते में एक ना एक बार बॉडी स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है, बट अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हो देन आप 2 हफ्ते में एक बार बॉडी स्क्रब तो ज़रूर करें। हमारी जो थर्ड रेमेडी है एंड माय फेवरेट रेमेडी जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली वर्क करती है, आप अपने फेस के ऊपर भी लगा सकते हो क्योंकि गाइस आपके फेस को भी बहुत ही अच्छा ग्लो मिल जाएगा। एंड ये जो रेमेडी है स्पेशली फॉर यू नो चलो ये आपकी स्किन को यू नो मॉइस्चर तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी 100%। आपके हैंड्स है आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छे से यू नो ग्लो करने लगेगी, आपको फर्स्ट यूज में ही दिख जाएगी कि आपकी जो बॉडी है आपके हैंड्स है कितने अच्छे से ग्लो करेंगे, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे एंड आपको बिल्कुल भी यू नो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसको स्पेशली गाइस जब अपने बॉडी के ऊपर लगाए अपने फेस के ऊपर भी जरूर लगा के देखिएगा, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, लाइक अमेजिंग। एंड जो थर्ड रेमेडी है इसको आप यू नो बॉडी के ऊपर लगाकर फेस के ऊपर तो गाइस जब आप लगाएंगे देन इसको अच्छे से यू नो ड्राई होने के बाद ही वॉश कीजिएगा, स्पेशली फेस के ऊपर। जब आप बॉडी के ऊपर लगाएंगे देन आपने क्या करना है, जहां जहां भी आप लगाना चाहते हैं हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, चाहे फुल बॉडी के ऊपर, देन आपने इसको 5 मिनट ऐसे ही रहना, 5 to 10 मिनट्स अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में, देन 5 मिनट अगर आप जल्दी में नहीं है देन 10 मिनट्स तक ऐसे लगा रहने दें। एंड उसके बाद जब आप वॉशरूम में जाएंगे नहाने के लिए देन पानी लेकर अपने हाथों में देन उसको अच्छे से यू नो ऐसे करके निकालिए, देन आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस चलिए हम बना दें मेरी फेवरेट रेमेडी। उसके लिए हमें चाहिएगा 2 टेबलस्पून ऑफ ग्राम फ्लावर एंड 2 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर। एंड देन उसके बाद आती है मेरी फेवरेट चीज़, वो है ग्राइंडेड या फिर पाउडर्ड आलमंड मतलब कि बादाम, ठीक है। इसको मैंने यू नो अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, घर में मैंने 3 बादाम लिए थे, ठीक है। सो गाइस इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं ऐसे ही ड्राई फॉर्म में एंड आप इसको रोज़ यूज़ कर सकते हैं, लाइक हफ्ते में 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपकी स्किन के ऊपर। सो गाइस इसको यू नो मिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दही, लाइक 1 to 2 टेबलस्पून या फिर 1.5 टेबलस्पून ऑफ दही के साथ हम इसको अच्छे से यू नो इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट बना लेंगे। एंड या फिर आप यू नो मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। एंड देन इसको आपने अप्लाई कर लेना है जहाँ जहाँ भी आप चाहते, चाहे आप फुल बॉडी के ऊपर लगा लें, ठीक है। एंड देन इसको आप रख सकते हैं 5 to 10 मिनट्स एंड देन नहा लें। सो गाइज ये है मेरे 3 बहुत ही अच्छे एंड इफ़ेक्टिव यू नो मेरी रेमेडीज़ एंड आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैक एक्ने या फिर आपके यू नो बॉडी के ऊपर कोई भी एक्ने की प्रॉब्लम है, आप इसके अंदर टी ट्री ऑयल की 2 बूंदें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपका ये एक्ने भी क्योर करेगा जो कि आपकी बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है। सो गाइज ये देखिए कि मैंने फेस के ऊपर लगाया हुआ अपना ग्लोइंग वाला मास्क जो भी मेरी रेमेडी थी, एंड मैंने एक हाथ के ऊपर लगाया है स्क्रब एंड दूसरे हाथ के ऊपर लगाया है अपना यू नो ड्राई स्किन वाला जिससे मेरी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज्ड रहेगी। सो गाइज एज यू ऑल नो कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आप सबका, आप मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बट जैसे कि मैं वीडियोज़ में यू नो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइज, दैट्स नेचुरल। ठंडे ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहीं नहा होता, बट ये भी नहीं कि हमने बहुत ज्यादा गर्म पानी के साथ नहाना, क्योंकि उससे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मेरी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, डल स्किन की प्रॉब्लम। तो आपने क्या कौन सा वाटर यूज करा, आपने यूज करना है ल्यूक वार्म वाटर जिसे हम कोसा पानी भी कहते हैं, जो ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, यू नो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसमें ड्राइनेस ज्यादा नहीं आएगी एंड आपकी स्किन डल भी नहीं होगी। करने के बाद एंड उसके बाद जब हम नहा के आएंगे देन ये जो स्टेप है इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी अच्छा सा बॉडी बटर लगाना या फिर बॉडी मॉइस्चराइजर लगाना। क्यों? क्योंकि गाइस ये हमारी स्किन की नीड होती है कि हमें यू नो मॉइस्चर चाहिए होता है ताकि हमारी जो स्किन है वो ड्राई और डल ना हो एंड वो जो स्क्रैचेस होते हैं फूल ना पड़े। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे।
टुडे आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस अब मैं आपको मिलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।